आवेगों के बारे में आज हम डी ब्रॉग्ली परिकल्पना की बात करेंगे। विभिन्न प्रयोगों में जैसा हम देख चुके हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव या कृष्णिका विकिरण या क्वांटम स्कैटरिंग, इनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है और तरंगों की द्वैत प्रकृति को यहाँ पर मान्य किया गया। तो डी ब्रॉग्ली ने एक परिकल्पना ईजाद की। डी ब्रॉग्ली ने यह कहा कि किसी भी द्रव्य कण के साथ एक तरंग हमेशा जुड़ी रहती है, या तरंग और द्रव्य कण बिल्कुल एक साथ जुड़े रहते हैं, और ऐसी तरंगों को द्रव्य तरंगे या मैटर वेव्स कहते हैं। इन मैटर वेव्स का तरंग दैर्ध्य प्लैंक्स स्थिरांक और कण के संवेग के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। यह डी ब्रॉग्ली की परिकल्पना है। डी ब्रॉग्ली की परिकल्पना को किस तरह से परिभाषित किया गया या उसका बेस क्या है, तो हम दो तरह के इसके बेस ले सकते हैं। हम सबसे पहले लें आइंस्टाइन इक्वेशन E=mc² जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस m0c² है। जीरो रेस्ट मास के लिए हमारे पास एनर्जी इस तरह से लिखी जाएगी। इससे हम जीरो रेस्ट मास की एनर्जी लिखेंगे। तो अगर रेस्ट मास जीरो है, देखिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन बहुत आसान रिलेशन है, E=p²/2m। तो जब हम जीरो रेस्ट मास कह रहे हैं तो हम इसको E=p²c भी ले सकते हैं। ये जीरो रेस्ट मास के लिए एनर्जी E=p/c या मोमेंटम E/c, जहां c प्रकाश का वेग है। और फोटोन के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं, फोटोन के लिए ऊर्जा E=h𝛎होती है। ये hc/λ, न्यू की वैल्यू आप लिख सकते हैं। वेग आवृत्ति तरंग दैर्ध्य से, इस e के मान को हम यहां रखें तो ये हमें प्राप्त होता है मोमेंटम h/λ, जो डी ब्रॉग्ली परिकल्पना है। इस पूरे गणित को हम दो एक्सप्रेशंस में ले सकते हैं। आप रिलेटिविटी से अगर डिफाइन करना चाहें तो रिलेटिविटी से हमारे पास रिलेशन आता है, ये रेस्ट मास जीरो होगा तो मोमेंटम होगा E/c। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने यहाँ पर सेकंड ये एक्सप्रेशन डिफाइन किए हैं, E=h×आवृत्ति, तो hc/λ यहाँ से आप लिख सकते हैं h λ = E/c इस समीकरण से। ये भी E/c है, ये भी E/c है, तो मोमेंटम हमारे पास आएगा p=h/λ या तरंग दैर्ध्य λ = h/p, जो डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य, यानी किसी भी द्रव्य कण के साथ अगर वो द्रव्य कण गतिशील है तो उस कण के साथ एक तरंग जुड़ी हुई रहती है। हम कण का संवेग निकाल लें और प्लैंक्स कांस्टेंट से उसको डिवाइड कर दें तो हमें उस द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो जाता है। यह डी ब्रॉग्ली की परिकल्पना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में बहुत सही रहती है, बहुत सही बैठती है। इसी तरह से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यूऑन, इन सारे कणों के लिए जब आप डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस से तरंग दैर्ध्य निकालते हैं तो इस तरंग दैर्ध्य का मान प्रेक्षण योग्य आ जाता है। लेकिन जो हमारे भौतिक निकाय हैं उनमें अगर हम इस तरंग दैर्ध्य को कैलकुलेट करना चाहें तो यह मान बहुत कम आता है।
इसलिए भौतिक निकायों में इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम द्रव्य तरंग को प्रेक्षित नहीं कर पाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है इसका, एक कोई बॉल जिसका द्रव्यमान 0.15 केजी है और ये 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जब चलती है तो इसका वेग आता है 90 माइल पर आवर। इसके लिए हम अगर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कैलकुलेट करें, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का मान और ये एम और वी कैलकुलेट होने के बाद ये हमारे पास आती है 1.1 × 10⁻³⁴ मीटर। यह तरंग दैर्ध्य बहुत न्यून है। अभी तक हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं है कि हम इस तरंग को प्रेक्षित कर सकें। अगर भविष्य में हम इस तरह के उपकरण बना सकें कि हम इस तरंग को प्रेक्षित कर सकें, तो हम किसी भी भौतिक निकाय के साथ जुड़ी हुई द्रव्य तरंग को प्रेक्षित कर सकते होंगे। जैसे यही उदाहरण आप कार के लिए ले सकते हैं। अगर एक कार 90 माइल पर आवर की स्पीड से चल रही है और उस कार का वेट थोड़ा और बढ़ा दें, कार का वजन तो हमारे पास 1500 किलो होता है, बढ़ा देंगे तो ये तरंग दैर्ध्य और कम हो जाएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि भौतिक निकायों में द्रव्य तरंग की उपस्थिति नहीं है। हमारी लिमिटेशन है कि हमारे पास अभी ऐसे उपकरण नहीं है जो इस तरह की तरंगों को प्रेक्षित कर सके। दूसरे केस में एक इलेक्ट्रॉन जो 100 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र से अगर त्वरित किया जाता है तो उसका वेग हमारे पास आता है लगभग 5.9 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसके लिए हम तरंग दैर्ध्य निकालें, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये हमारे पास उसका वेग, तो ये आता है 1.2 × 10⁻¹⁰ मीटर या 0.12 नैनोमीटर एंगस्ट्रम्स में, और इसे हम बड़े आसानी से प्रेक्षित कर सकते हैं क्योंकि एक्सरे और गामा रेज इसी ऑर्डर में हमें मिलती हैं। इन्हें हम आयनाइजेशन चैम्बर से बड़े आसानी से प्रेक्षित कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास गति करता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ हम उसकी द्रव्य तरंग को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन भौतिक निकायों की द्रव्य तरंग बहुत छोटी होती है इसलिए इसे प्रेक्षित किया जाना संभव नहीं होता है। देखिए एटॉमिक डायमीटर 10⁻¹⁰ मीटर की ऑर्डर की होती है और न्यूक्लियर जो डायमीटर है वो 10⁻¹⁴ मीटर। ये कुछ छोटी दूरियां जो फिजिक्स में आई हैं, न्यूक्लियस से छोटा न्यूक्लियस का न्यूक्लियर डायमीटर 10⁻¹⁴ मीटर की ऑर्डर का, इसको हम प्रेक्षित कर सकते हैं, लेकिन इससे और छोटी अगर कोई वस्तु हो तो हम उसे हमारे उपकरणों की लिमिटेशन के कारण उसे प्रेक्षित नहीं कर पाते हैं। अतः जो रोज की गतियां हम देखते हैं उन गतियों में हम कभी भी द्रव्य तरंग के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।